हेलो दोस्तों, टीएस कोरबा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे पास डीजे प्लस का डीपीए 250 वाट का एम्पलीफायर बनने के लिए आया है, जिसमें हमारे कस्टमर के द्वारा यह कहा गया कि इसमें से आवाज नहीं आ रहा है। जब उसे हम चेक किए स्पीकर में लगा करके, तो पूरा वॉल्यूम, ऑक्स की वॉल्यूम और मास्टर वॉल्यूम खोलने के बावजूद स्पीकर में एकदम ना के बराबर आवाज आ रहा था। सेटअप बिल्कुल चालू है, लेकिन आवाज बिल्कुल ना के बराबर और घरघराहट के साथ मिक्स होकर आवाज आ रहा था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि सेटअप चालू होने के बावजूद आवाज का कम आना और घरघराहट के साथ आना, खुलकर ना आना, इसे हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इसमें क्या क्या समस्या हो सकती है, किन किन संभावनाओं को हम चेक करेंगे और क्या क्या चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम इस एम्पलीफायर को बनाने की कोशिश करते हैं और आप भी कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, मैं भी कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी पुश कर लीजिए, ताकि नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह रहा डीजे प्लस का डीपीए 250 वाट का एम्पलीफायर। इसमें समस्या है कि मास्टर वॉल्यूम ऑक्स हम खोलते हैं, इसमें से आवाज ना के बराबर आ रहे हैं। सेटअप में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल चालू हो जा रहा है। आइए हम देखते हैं अंदर का क्या समस्या हो सकता है। दोस्तों, अगर सेटअप हमारा शॉर्ट सर्किट नहीं है, सेटअप चालू हो जा रहा है, एम्पलीफायर चालू हो जा रहा है, अगर हम ऑक्स और मास्टर वॉल्यूम की टोन को कम या ज़्यादा करते हैं, तो घड़घड़ाहट या आवाज़ कम होकर या ज़्यादा अचानक आता है, तो इसका मतलब है कि इसकी रेजिस्टेंस काम नहीं कर रही है, यानी कि टोन कंट्रोल खराब हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसी को चेंज कर देते हैं, क्योंकि सेटअप तो चालू है, तो अगर ये खराब होगा तो वॉल्यूम आवाज़ खुल के आ सकता है। तो इसे मैंने चेंज कर दिया, लेकिन आवाज़ में कोई भी परिवर्तन नहीं है, आवाज़ अभी भी लो आ रहा है। अब इसमें क्या समस्या हो सकता है? मैंने मास्टर वॉल्यूम इसके टोन को चेंज कर दिया, नया लगा दिया हूँ, ऑक्स को भी मैंने चेंज कर दिया, इसके बावजूद आवाज़ साफ नहीं और बढ़कर नहीं आ रहा है। एक प्रॉब्लम इसमें और हो सकता है कि जो बेस होती है, अगर बेस का वायर शॉर्ट होता होगा तो आवाज़ भी दब जाता है। आप बेस का नॉब चेंज करेंगे तो आवाज़ खुल कर आ जाता है। अगर बेस का टोन कंट्रोल शॉर्ट हो जाता है तो भी आवाज़ कम आना चालू हो जाता है। तो दोस्तों, बेस भी मैंने चेंज कर दिया है, बेस वॉल्यूम कंट्रोल, मास्टर वॉल्यूम कंट्रोल भी चेंज कर दिया, ऑक्स जो खराब था उसे भी मैंने चेंज कर दिया, तीनों नॉब चेंज कर दिया, तीनों नॉब बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ साफ नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद आप मेन ट्रांजिस्टर जो इसमें 5200 लगा हुआ है, इसके बेस, एक तरफ का चैनल का बेस मैंने चेक किया, तो इसमें 0 वोल्ट आ रहा था, और इस तरफ के जो ट्रांजिस्टर लगे हैं, 4 पीस इधर और 4 पीस इधर, तो इधर के 4 पीस 5200 में बेस में 0.5 वोल्ट आ रहा है, लेकिन इधर के बेस में 0.5 कुछ भी वोल्ट नहीं आ रहा है। ये बेस है दोस्तों। हम अगर बेस को चेक करते हैं तो बेस में हमें कोई भी वोल्ट नहीं मिल रहा है इस तरफ चैनल का, लेकिन इधर का चैनल में हमें 0.5 वोल्ट मिल रहा है। दोस्तों, 4 ट्रांजिस्टर इधर लगे हैं और 4 ट्रांजिस्टर इधर लगे हैं। इधर के चारों ट्रांजिस्टर में ड्राइवर के थ्रू जो बेस को 0.5 वोल्ट मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा है, और एक तरफ मिल रहा है, यानी कि 4 5200 इसमें काम कर रहे हैं और 4 5200 काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ के जो 4 ट्रांजिस्टर 5200 लगे हैं, इसमें बेस में 0.5 वोल्ट सही दिखा रहे हैं, और चेक करने से बिल्कुल सही है ट्रांजिस्टर। जब सेटअप चालू है तो ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल मान के चलिए कि अगर आपका सेटअप चालू हो जा रहा है और आवाज़ आ रहा है, तो आपके ट्रांजिस्टर शायद ही कोई ट्रांजिस्टर खराब हो। तो मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके है, लेकिन इस तरफ के जो 4 ट्रांजिस्टर 5200 के हैं, इसमें बेस में 1 भी वोल्ट नहीं है, जो हमें 0.5 वोल्ट मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है ड्राइवर सेक्शन में खराबी है। तो दोस्तों, आइए हम ड्राइवर सेक्शन को चेक करते हैं। दोस्तों, जब मैंने ड्राइवर प्लेट को ओपन किया तो देखा कि यह दोनों डायोड ब्लास्ट होके फेंका गए थे। यहाँ पर डायोड नाम की कोई चीज नहीं थी, सिर्फ छोटा सा टुकड़ा जो शोल्डर किनारे है वही था बस। इसे मैंने चेक किया, यह तीनों पॉइंट आपका शॉर्ट दिखा रहा था,
और यह आपका रेगुलेटेड पावर सप्लाई है। इसे मैंने चेक किया तो यह भी शॉर्ट दिखा रहा था, लेकिन ओपन करने पर यह शॉर्ट नहीं था क्योंकि यहाँ पर यह गायब हो गया था, ब्लास्ट हो गए थे, तो सर्किट में शॉर्ट की वजह से यह शॉर्ट दिखा रहा था। दोस्तों अगर आप इधर देखेंगे, दोस्तों जब मैंने इसे ओपन किया तो यह जो डायोड लगा हुआ था यह सर्किट यहाँ से जला हुआ था, गायब हो गया था। और यह जो MJE 3055 ICGO थी ट्रांजिस्टर, डाइवर ट्रांजिस्टर, वह यह जो पिन है बीच वाले, यह सर्किट यहाँ से जल गया था। और एक यहाँ से दिख रहा होगा आपको, एक यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैक है, यह ट्रैक भी ब्लास्ट होकर अलग हो गया था। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यह पूरा ट्रैक खाली हो गया है। तो इसमें से यह ट्रांजिस्टर वर्क नहीं कर रहा था, यह तो पूरा शॉर्ट हो गया था। अब आपका रेगुलेटेड जो पावर आईसी है यह भी शॉर्ट दिखा रहा था, उसके बावजूद यह जो आपका एम्पली है उसके बावजूद यह एम्पली बहुत ही बढ़िया चल रहा था, सिर्फ आवाज़ की कमी थी। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? शायद यह सब जो ट्रैक है, यह ट्रैक जल के कट के अलग हो गए थे, इसलिए यह एक आईसी की सहायता से चल रहा होगा। जो चार ट्रांजिस्टर को आपका सप्लाई सही दे रहा था उसकी सहायता से यह चल रहा था, लेकिन ड्राइवर ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने के बावजूद एम्पली शॉर्ट नहीं दिखा रहा था। इसका रीज़न यही हो सकता है कि यह सब पूरा जल के ख़त्म हो गया था। मैंने यह पूरा ट्रैक को रिपेयर किया है, यह नया मैंने एक आपका ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा दिया है। जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर निकला था वह यह है, इसे मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ आपको, आइए इसे चेक कर लेते हैं। तीनों पॉइंट शॉर्ट दिखा रहा है, इसे मैंने चेंज कर दिया है। और यह जो टूटे हुए जितने भी सर्किट ट्रैक थे, इन ट्रैकों को मैं सुधार दिया हूँ। यहाँ पर यह दोनों डायोड गायब हो गए थे, इन दोनों डायोड को मैं लगा दिया हूँ, एक दोनों डायोड को लगाया हूँ। और यह एक MJE 3055 ट्रांजिस्टर मैंने रिप्लेस किया है। ठीक है दोस्तों, अब यह बनकर रेडी है, इसे हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों हमने ट्रांजिस्टर डायोड चेंज कर दिया है और जो ट्रैक टूट गया था उसे भी हमने रिपेयर कर दिया है। आइए अब इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि सभी ट्रांजिस्टर के बेस में 0.5 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। पहले प्रोब को हम अर्थिंग ले लेंगे, राउंड ले लेते हैं और देखते हैं कि इसके बेस में, देखिए दोस्तों इसके बेस में 0.5 वोल्ट आ रहे हैं और यह भी 0.5 है। ठीक है, इधर का जो है इधर भी 0.5 आ रहे हैं, इधर भी 0.5 आ रहे हैं। और आपका इसका बेस कलेक्टर एमिटर को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपका 39 वोल्ट पूरा का पूरा आ रहा है दोस्तों, 39 वोल्ट इधर भी आ रहे हैं, 39 की सप्लाई इधर भी है, 39 पूरा का पूरा वोल्ट आ रहा है इधर। ठीक है, और बेस में आपका 0.5 बन रहे हैं, यानी कि वोल्टेज सभी ट्रांजिस्टर को बिल्कुल सही सलामत मिल रहे हैं। अब हम चला के चेक कर लेते हैं दोस्तों, उम्मीद है कि बिल्कुल सही चलना चाहिए। वॉल्यूम बढ़ाते हैं। दोस्तों एम्पलीफायर मॉसफेट डीजे के कुछ भी पार्ट्स आपको चाहिए तो आप www.totalsolution.in में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पूरा का पूरा पार्ट्स उपलब्ध है। आपको कोई भी पार्ट्स की ज़रूरत हो तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे शो हो रहा है, इस नंबर पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं या मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको जिस भी पार्ट्स की ज़रूरत होगी वह पार्ट्स मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और दोस्तों इस रिपेयरिंग का जो कि एक MJE आपका 3055 ट्रांजिस्टर जला हुआ था, दो डायोड जले हुए थे, ट्रैक पूरा टूटा हुआ था,
उन ट्रैक को मैंने पूरा सर्विस किया और आपका MJE एक ट्रांजिस्टर, दो डायोड लगा करके और 3 TC आपका यह नॉब कंट्रोल जो है, ये नॉब मैं 3 लगाया हूँ। इसका कॉस्ट मैंने 700 रुपये चार्ज किया है। दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे यह कॉस्ट ज़्यादा है या कम है, ताकि मैं अपने कस्टमर से सही रेट ले सकूं। तो आप कमेंट्स में मुझे बिल्कुल ज़रूर बताएंगे कि इन पूरे कामों का कितना पैसा मुझे लेना चाहिए। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।